सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायतों का दौरा किया और जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 157 करोड़ 60 लाख की लागत से बरछवाड़ से जाहू तक सीरखड का तटीकरण किया जाएगा तथा 120 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजना संधोल टिहरा सरकाघाट व बरछवाड़ स्वीकृत की गई है। इसके तैयार होते ही इस क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सरकाघाट कॉलेज खेल मैदान के लिए 45 लाख स्वीकृत किए गए हैं तथा मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार इंडोर स्टेडियम का निर्माण भी शुरू करवाया जाएगा। वहीं बागवानी मिशन के तहत धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष 14,423 पौधे रोपित कर 55.5 हेक्टेयर क्षेत्र तथा सरकाघाट में 9,902 पौधे रोपित कर 34.50 हेक्टेयर क्षेत्र को बागवानी के लिए विकसित किया जाएगा। इस प्रवास के दौरान उन्होंने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत रखो में 53 गैस कनेक्शन भी वितरित किए। वहीं विभिन्न महिला मंडल भवनों के लिए 25-25 हजार तथा महिला मंडल बरछवाड़ के लिए 20 हजार देने की घोषणा भी की।